जानकारी सामने आ रही। वसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ, राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल, मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। 1 मार्च से 3 मार्च तक चलेगा वसंतोत्सव, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजभवन में लगाई गई फूलों की प्रदर्शनी, तो राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और राजभवन में फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक वसंतोत्सव का जो है कार्यक्रम चलेगा और वहीं जो है समारोह के आयोजन में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे। तो वसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हो रहा है और देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही शिरकत करने पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, वसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हो गया है, क्या ताजा जानकारी है? मैं और आप देख सकते हैं कि वसंत उत्सव जो वसंत के महीने में यहाँ पर लगता है 1 मार्च से 3 मार्च तक, इसमें जो तमाम तरह के जो पौधों के विक्रेता होते हैं, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ये जो कार्यक्रम है और आयोजन किया जाता है और इसे एक महोत्सव के तौर पे माना जाता है। जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जो फूल्स फ्लावर्स हैं उनकी जो बिक्री हो और साथ साथ उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और उसी के तहत राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, जिसके बाद जो लोकल्स जो कहा जा सकता है उत्पाद हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं और साथ साथ यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जो कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं वो वॉलंटियर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को और उत्तराखंड के जो छात्र हैं उनको मुख्य धारा जो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देना, साथ साथ जो हमारे मुख्य उत्पाद हैं उनके बारे में बताना। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर सतपाल महाराज पहुँचे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ गुरमीत सिंह यहाँ पर हैं, तो तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है फ्लावर्स, टूलिप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं, जो विदेशों में देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो कहा जा सकता है कि जो पौधे हैं फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो खूबसूरत जो पूरे इस महोत्सव को बनाते हैं। तो ऐसे में महोत्सव 3 दिन तक चलने वाला है, ऐसे में जो पूरे देश भर के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, फूलों का आनंद लेते हैं, साथ साथ राजभवन उन्हें घूमने का मौका मिलता है, ऐसे में जो आम जनमानस है वो भी राजभवन आ सकता है। और आप देख सकते हैं कि भीड़ अच्छी है, लोग यहाँ पर उत्साहित होकर आ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में देहरादून वासियों और साथ साथ उत्तराखंड वासियों के लिए एक महोत्सव है वसंत का, जब जो फ्लावर्स होते हैं वो अत्यधिक इसमें देखने को मिलते हैं। तो एक इसे व्यवसाय से जोड़ने के लिए जो राज्यपाल की पहल है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स हैं और साथ साथ यहाँ के उत्पाद हैं, फ्लावर्स हैं, वो अत्यधिक बढ़ावा मिले, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सके, तो यही इसका मुख्य मकसद है। और साथ साथ 1 मार्च से 3 मार्च तक ये चलने वाला है जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ साथ जो लोग हैं, जो आम जनमानस है वो राजभवन घूम सकेंगे। जी, सीएम धामी जो है वहां पहुंचे और राज्यपाल जो है खुद ही वहां मौजूद है, इसके अलावा और कौन कौन से बड़े लोग यहां शामिल हो सकते हैं? देखिए, सीएम धामी की मैं बात करूं, सीएम धामी अभी फ़िलहाल दिल्ली में है, राजनीतिक व्यस्त होने के कारण वो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल अभी पहुंचे नहीं है। ये माना जा रहा है दिन के बाद वो पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं पहुंचे हैं। सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ साथ माना जा सकता है जो पूरी कैबिनेट है, कई विधायक हैं यहाँ पहुँच सकते हैं, कई उद्योगपति यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये लोकल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे महोत्सव बनाया
लगाया गया है राजभवन में। इसका मुख्य पूरे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, 50 से अधिक ये स्टॉल्स हैं। लोग यहाँ पर अपने जो छोटी इंटरप्राइजेज वो चला रहे हैं या फिर छोटी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं, और साथ साथ जो उत्तराखंड में उगने वाले फ्लावर्स हैं या फिर यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो देश भर के लिए आकर्षण का केंद्र ये रहता है। कई नेता यहाँ पर जुड़ते हैं, साफ तौर पर मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करना था लेकिन राजनीतिक व्यस्त रहने के कारण वो अभी फिलहाल दिल्ली में है। माना जा रहा है कि शाम तक वो लौटेंगे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ का माहौल है कहीं ना कहीं फूलों की खुशबू से महक रहा है, और साथ साथ जो बच्चे हैं और कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पर होते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो बच्चे भी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आए हैं, साथ साथ लोग कार्यक्रम है, समारोह है, 1 से 3 मार्च तक चलेगा। इस दौरान जो है लोगों के लिए क्या खास होगा, लोगों को क्या संदेश इसके जरिए दिया जा रहा है? देखिए, ये साफ तौर पर ये जो छोटी मार्केट्स हैं या फिर जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो पुष्प है उसे व्यवसाय से जोड़ने के लिए, डायरेक्टली उसे मुख्य धारा पे लाने के लिए, और उत्तराखंड की जो शहद बनते हैं या फिर कहा जाए जो कपड़े बनते हैं या उत्पाद होते हैं लोकल, उन्हें मार्केट तक पहुँचाया जाए, और इसी के तहत इसका मुख्य उद्देश्य है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो फ्लावर्स ही रहेंगे, क्योंकि हर स्टॉल में आपको एक तरह तरह के फ्लावर्स दिखेंगे। सजावट का यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है कि लोगों को इससे आकर्षित किया जा सके और आने वाले समय में वो भी फ्लावर्स का जो व्यवसाय है वो बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं फ्लावर्स के क्षेत्र में, फूलों के क्षेत्र में, साथ साथ जो उत्पाद हैं उनके क्षेत्रों में लोग बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव बनाया जाता है हर साल, और राज्यपाल की पहल से कहीं ना कहीं जो छोटे व्यवसाय हैं उन्हें अब बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक हमारे जो मूल रूप से चलते हुए आ रहे हैं, जितने भी उत्पाद हैं, चाहे उसमें शहद हो या उत्तराखंड के पारंपरिक वस्त्र हो, तो आपको यहाँ पर तरह तरह के फ्लावर्स नज़र आएंगे। ट्यूलिप्स इस बार यहाँ का पूरी तरह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जी जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।